तो आपका इस दूसरे ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो आज हम पाइथन का इंट्रोडक्शन प्लस उसके साथ में कुछ डेटा टाइप्स देखेंगे और उसके रिलेटेड थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशंस देखेंगे। सो पहला पाइथन की हिस्ट्री। पाइथन जो है वो 1980s में डेवलप किया गया था वैन रोसम के थ्रू। एंड वो ये पाइथन जो है ये बाकी के जो लैंग्वेजेस उस टाइम पे प्रेजेंट थे जैसे कि ABC, मॉडुला 3, सी, सी प्लस प्लस, इनसे इन्फ्लुएंस होकर इस वॉन रुसम ने पाइथन का डेवलपमेंट किया था। देन पाइथन का 1.0 वर्जन 1994 में रिलीज हुआ था। एंड जो मोस्ट पॉपुलरली यूज पाइथन है जो कि पाइथन 3.0 है वो 2008 में फर्स्ट टाइम रिलीज किया गया था और आज भी ये पाइथन 3 हम यूज करते हैं। पाइथन 3 ये कॉपीराइटेड है एंड इसका जो अवेलेबल कोड है वो GNU के अंडर अवेलेबल है। सो नेक्स्ट, सो हम यहाँ देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट फीचर्स है। तो फर्स्ट थिंग कि ये सिंपल है, सिंपल है प्लस ये वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस को सपोर्ट भी करता है। देन ये पाइथन जो लैंग्वेज है ये कोई भी प्लेटफॉर्म पे चलता है जैसे कि आपके पास अगर विंडोज PC है, लिनक्स है, मैशिंडोस है, मीन्स एप्पल का लैपटॉप है या फिर मैकबुक है, एयरबुक है, तो हर हर एक प्लेटफॉर्म पे ये हमारा पाइथन लैंग्वेज चलता है। देन ये एक ऐसा लैंग्वेज है कि जिसे हमें कंपाइलेशन करने की कोई जरूरत नहीं रहती है, ये डायरेक्टली हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल मीन्स कि ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड, मतलब हम उस पर्टिकुलर प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम को अगर हम लाइन बाय लाइन रीड करें तो हम उसे समझ सकते हैं इजिली, इसलिए उसे हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। देन इंटीग्रेट, तो बेसिकली इट कैन इंटीग्रेट विथ सी, सी प्लस प्लस एंड जावा, तो ये कोई भी दूसरे लैंग्वेजेस है उनके साथ भी इजिली इंटीग्रेट हो जाता है ये। फिर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे कि क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस, इन सारी चीजों को सपोर्ट करता है। सो हम अब यहाँ देखेंगे कि क्या डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है पाइथन के। पहला एप्लीकेशन, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेब एप्लीकेशंस डेवलपमेंट के लिए भी पाइथन का यूज कर सकते हैं हम। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है जैसे कि जेंगो, पिरामिड, फ्लास्क, टोर्नेडो, ये सारे पाइथन के फ्रेम वेब एप्लीकेशन के लिए फ्रेमवर्क्स हैं। वैसे ही डेस्कटॉप पे एप्लीकेशंस भी हम इसके थ्रू डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए टी किंटर, WX विजेट, कीवी, पाई क्यूटी, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है पाइथन में। फिर जैसे कि डेटा साइंस रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट करना है आपको, या उसमें डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज है जैसे कि टेंसर फ्लो, केरास, पाइटेक्स, स्केलर, नंपाई, पांडास, सो इन सबको पाइथन में फ्रीली अवेलेबल APIs है। तो इसलिए मोस्ट आज के डेट में मोस्टली पाइथन लैंग्वेज पॉपुलर है डेटा साइंस या मशीन लर्निंग के लिए। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। पहले हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में a=10 लिखा था, तो वो a जो था वो एक वेरिएबल था जिसमें हमने 10 वैल्यू स्टोर की थी। तो वो एक a ने 10 को स्टोर करने के लिए जो भी मेमोरी ली है वो हमारे हार्ड डिस्क या फिर मतलब स्टोरेज डिवाइस पे एक स्पेस बना क्रिएट करता है और उसको एक लोकेशन असाइन करता है, नंबर रहता है उसका एक, तो उसे हम वेरिएबल्स बोलते हैं। पाइथन की एक सबसे खास बात यह है कि पाइथन जो है वो डायनामिकली हम वहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स जब हमें जरूरत हो उस वक्त हम उस वेरिएबल को डिफाइन करके उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पाइथन में कौन कौन से डिफरेंट स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स अवेलेबल है जैसे कि पहला नंबर्स, जो भी इंटीजर नंबर, फ्लोट नंबर्स, लॉन्ग इंटीजर्स या लॉन्ग फ्लोट्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स रहते हैं वो सारे नंबर्स के अंडर फॉल होते हैं। देन सेकेंड वन इज स्ट्रिंग।
सो स्ट्रिंग बेसिकली क्या रहता है, जैसे कि किसी का नाम हमें स्टोर करना है या फिर कोई सेंटेंस है या कोई डॉक्यूमेंट है पूरा मल्टी लाइन सेंटेंस, तो वो सारी चीज़ें स्ट्रिंग के अंडर फॉल होती है। देन लिस्ट, सो 1 से लेके 10 तक का नंबर सपोज हमें डिस्प्ले करना है या स्टोर करना है किसी वेरिएबल में, स्टोर कर सकते तो वो हम स्टोर कर सकते तो वो हम लिस्ट का यूज़ करके हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसके आगे मैंने म्यूटेबल लिखा है, तो ये म्यूटेबल क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा आगे। सो फोर्थ वन इज टपल। सो टपल क्या रहता है, सिमिलर टू लिस्ट टपल भी हम कोई सेट ऑफ नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन टपल जो है वो हम एक बार जो डिफाइन कर देते हैं वो फाइनल है, उसमें हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन लिस्ट में अगर हमने 1 से लेके 10 तक का नंबर स्टोर कर दिया है और हम कोई एक नंबर को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं, वो चीज़ हम टपल में नहीं कर सकते हैं। ओके, फिर फिफ्थ तो डिक्शनरी। तो डिक्शनरी मतलब एक डेटा टाइप ऐसा है कि जिसमें दो चीज़ें होती है, आपको अभी याद रखना है कि दो, एक होता है फर्स्ट वन, एक होता है की, और उस की के अगेंस्ट में हम वैल्यूज स्टोर करते हैं। तो हमें क्या याद रखना है कि डिक्शनरी में की एंड वैल्यूज होते हैं, प्लस ये म्यूटेबल होता है, में हम जो वैल्यूज है वो हम चेंज कर सकते हैं। अभी हम एक डेमो देखेंगे इसके रिलेटेड। सो सपोज मैंने एक फाइल बना के रखी है पाइथन ट्यूटोरियल। ओके, सपोज अभी मुझे एक नंबर वेरिएबल डिफाइन करना है, तो ए इक्वल टू, मैं सपोज अभी 10 लिख रहा हूँ। तो 10 क्या होता है, अब मुझे डेटा टाइप नहीं पता है, मैंने जस्ट एक ऐसे ही 10 लिख के रखा है और यहाँ पे मैं 10.121 लिखा है मैंने। वैसे ही सी है अभी मेरा, तो सी में मैंने 10. समथिंग 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 लिख के रखा हूँ। ओके, फिर एक डी वेरिएबल भी है, वहाँ पे मैंने ए प्लस सॉरी 1+2j लिख दिया मैंने। फाइन, सो अब मुझे सबका डेटा टाइप चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा। फाइन, प्रिंट में मैं क्या करने वाला हूँ, अभी सबसे पहले मैं टाइप लिख चेक कर, मुझे टाइप चेक करना है उस पर्टिकुलर वेरिएबल का, तो मैंने लिख दिया। ओके, मैं ये चारों के चारों वेरिएबल का चेक करने वाला, तो अभी मैं ए का हुआ, देन बी का टाइप देख रहा हूँ मैं, देन सी का एंड डी का। फाइन, सो अब हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा वेरिएबल का क्या टाइप आया है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कमेंट डाल देंगे। ये स्ट्रिंग एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे हम हमें डिस्प्ले होगा। तो अभी हम कमेंट डालते हैं यहाँ पे कि डेटा टाइप ऑफ ए। फाइन, सिमिलरली हम बाकियों के लिए भी यही चीज करेंगे। ये है डी के लिए, देन ये है सी, देन ये है बी। ओके, तो अब हमने यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स डिफाइन किए, हमें जस्ट चेक करना है कि कैसे करना है, मतलब किस वेरिएबल का क्या डेटा टाइप है। तो हम क्या करेंगे, पहले उस फाइल पे जाके राइट क्लिक करके ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन सीएमडी कर देंगे, देन यहाँ पे पाइथन और हमारी फाइल का जो भी नाम है वो टाइप करेंगे हम। ओके, एंड एंटर। और देखिए तो यहाँ पे बता रहा है कि डेटा टाइप ऑफ ए इज इंटीजर, डेटा टाइप ऑफ बी इज फ्लोट, डेटा टाइप ऑफ सी इज फ्लोट एंड डेटा टाइप ऑफ डी इज कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी फ्लोट है, ये भी फ्लोट है एंड ये इंटीजर है, तो इन्होंने डेटा टाइप्स उसके बता दिए, तो ये हमारे नंबर के अंडर फॉल हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, स्ट्रिंग। तो सपोज मैंने ये इस पर्टिकुलर के जगह एक कुछ नाम लिख दिया। फाइन,
ये मैंने लिख दिया कि आई एम अ बॉय, राइट। सो अब ये सी जो है, ये डेटा टाइप इसका क्या रहता है वो हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे सी का डेटा टाइप स्ट्रिंग बता रहा है, ओके। तो ये हुआ हमारा दूसरा डेटा टाइप। उसके बाद हम देखेंगे कि लिस्ट। तो सपोज मैंने एक और वेरिएबल डिफाइन किया e इक्वल टू, और उसमें मैंने 1, 2, 3, 4, 5 समथिंग नंबर्स मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया, और मुझे e का डेटा टाइप चेक करना है। ई कर लिया। अब मैं फिर से प्रोग्राम को रन करूँगा। रन करने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये लिस्ट है। अब मैं अगर ये लिस्ट जो है ये म्यूटेबल है, मतलब मैं ये 3 के जगह पे 5 भी लिख सकता हूँ रन टाइम में। अभी यहाँ पे मैं मैन्युअली चेंज कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम प्रोग्राम कर रहे हैं और मैंने ये स्टोर करके रखा है तो इसकी इस वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ। तो कैसे चेंज कर सकता हूँ मैं? सपोज ई ऑफ, अभी ये जो 5 है ये कितने नंबर पे है, तो हम 0 से काउंट करेंगे। ये 0 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 2 नंबर है 0, 1 एंड 2, यहाँ पे ई ऑफ 2, इसमें मैं एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ जो कि 1, 2 होगी, ठीक है। और फिर मैं इसके बाद जस्ट एक प्रिंट कर दूंगा कि हाँ लिस्ट का जो एलिमेंट है उसे प्रिंट कर दो, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि यहाँ पे क्या आते हैं वैल्यूज। तो यहाँ पे देखिए आप, ये 0th पोजीशन, ये 1st पोजीशन और ये 2nd पोजीशन, यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो गई है, हाँ, क्योंकि ये लिस्ट है। सिमिलरली हम अब टप्पल का देखेंगे, ओके। सो टप्पल और लिस्ट में मैंने बताया है कि कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो अभी सपोज मैंने एक एफ वेरिएबल डिफाइन किया, इसमें मैंने अभी ये चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको इनिश स्टार्टिंग से ही। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट की जगह यहाँ पे राउंड ब्रैकेट होता है। अभी ये चीज़ जो है ये एरर थ्रो करना चाहिए, क्योंकि टपल जो है वो इम्यूटेबल है। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया उसने, टाइप एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ हम नहीं कर सकते, मीन्स ये जो भी एक बार डिफाइन किया है वो परमानेंटली डिफाइंड है इस पर्टिकुलर टपल में। अब हम अगर टपल को टाइप चेक करेंगे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम टपल का टाइप भी चेक कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे एफ करना है मुझे, और उसका टाइप जो है टपल आया है, फाइन। सो ये हमारे थर्ड एंड फोर्थ हो गए। इसके बाद अब आता है डिक्शनरी। सो डिक्शनरी कैसे डिफाइन करना है, तो जस्ट लाइक हमारा ये हम डिक्शनरी भी डिफाइन कर सकते हैं। सिर्फ डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देना रहता है यहाँ पे, ओके, कर्ली ब्रेसेस। और मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि यहाँ पे की एंड वैल्यू होती है। सो अभी सपोज मैंने 0th की के लिए यहाँ पे नाम दिया है यूजर 1, ठीक है। सो सिमिलरली यहाँ पे डिक्शनरी डिफाइन कर रहे हैं जिसमें 0th की के लिए यूजर 1 एंड 1 की के लिए हम यूजर 2 डिफाइन कर रहे हैं, फाइन। एंड यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट से ही क्लोज करेंगे, फाइन। अब यहाँ पे हम इसका डेटा टाइप भी चेक करेंगे कि डी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हम यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम जी देंगे।
ये जी हो गया, यहाँ जी, यहाँ पे भी हम जी असाइन कर देंगे। सो अब यहाँ पे ये डिक्शनरी हमने असाइन कर दी, फाइल सेव कर दी। अब हम रन करेंगे। रन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जी जो है वो डिक्शनरी आ गई है। अभी सपोज हमें इस डिक्शनरी का कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट हमें प्रिंट करना है, ओके? तो मैं क्या करूँगा, ये जी जी ऑफ मतलब जी का, मुझे अगर जी के आगे एक स्क्वायर ब्रैकेट देना है, और सपोज मुझे अभी ये जीरोथ एलिमेंट अगर प्रिंट करना है, तो मैं जीरो जो है वो उसका की होगा, तो मैंने यहाँ पे की डाल दिया। तो अब मेरा प्रिंट क्या आना चाहिए, उसका वैल्यू इस पर्टिकुलर की के लिए ये वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे जी के लिए वैल्यू क्या मिलना चाहिए, user1। तो अब हम वो देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे user1 हमें मिल रहा है। तो इसी के साथ हम आज का हमारा दूसरा ट्यूटोरियल भी समाप्त करते हैं। और आज हमने क्या देखा, सो बेसिकली हमने आज पाइथन का इंट्रोडक्शन प्लस जो डिफरेंट स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स है उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लिया है हमने आज यहाँ पे। सो आपको ये कैसा लगा वीडियो एंड ट्यूटोरियल, उसके लिए आप कमेंट या फिर लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड हमें आप अगर हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप हमें फीडबैक दे सकते हैं।